भोपाल के खटलापुरा घाट पर गणेश विसर्जन के दौरान 11 युवकों की हुई मौत की हृदय विदारक घटना के बाद शहर में शोक की लहर है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, सांसद साध्वी प्रज्ञा, पूर्व मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व सांसद आलोक संजर और विधायक कृष्णा गौर ने मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मृतक युवक विशाल के पिता को गले लगाकर भावुक हो गए। पूर्व सीएम शिवराज ने सरकार से मांग की है कि हर पीड़ित परिवार को 25 लाख की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। इसके साथ ही मृतकों के परिवार में से एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। तत्काल जांच हो, आपराधिक लापरवाही के लिए जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि फिर कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। और ये बच्चे तो बुढ़ापे की लाठी के सहारे थे, ये छिन गए। इनके माता पिता निम्न मध्यम वर्गीय या गरीब परिवारों से थे, अब उनको लाया नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता इन परिवारों की करनी चाहिए ताकि बाकी जिंदगी कट सके। मैं पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ और गजानन भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति दे। लेकिन परिवार के सदस्यों को, जो युवा हो या नौकरी करने के योग्य हो, एक एक शासकीय नौकरी भी जरूर देनी चाहिए ताकि बूढ़े माता पिता की जिंदगी कट सके।